हेलो स्टूडेंट टीजीटी केमिस्ट्री की जो हमने सीरीज़ स्टार्ट की थी उसका जो नेक्स्ट पार्ट है वो हम आज डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हम इस लेक्चर में कवर करेंगे ठीक है और जो हमने फर्स्ट वीडियो अपलोड की थी फॉर योर टीजीटी केमिस्ट्री उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूँगी आप वहाँ से जाकर उन क्वेश्चन को भी एक बार अच्छे से देख लीजिए राइट सो स्टार्ट करते हैं आज के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उनको तो जो आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है वो है इन डी एन ए द कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस आर सो डी एन ए में जो आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस होते हैं वो कौन कौन से रहते हैं एडिनिन एंड ग्वेनिन एंड थामिन एंड साइटोसिन ठीक है ए एंड जी टी एंड सी इसके से आपके पास कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस इसमें डी एन ए में रहते हैं सेकेंड है रिपीटेड यूज़ ऑफ एमोनियम सल्फेट फर्टिलाइज़र वुड इंक्रीज द एसिडिटी ऑफ सॉल्यूशन सो so, ये आपके पास ऑप्शनल में इसमें तीन चार ऑप्शन रहेगी उसमें से आपने सेलेक्ट करना है कि जो आपके पास रिपीटेड यूज़ है किसका रिपीटेड यूज़ आपके जो फर्टिलाइज़र है उसकी एसिडिटी को इनक्रीज़ कर देता है सॉइल के अंदर तो अगर हम बार बार एमोनियम सल्फेट को यूज़ करेंगे ठीक है तो आपके पास जो सॉइल की एसिडिटी है वो इनक्रीज़ हो जाएगी द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम आर कीटोन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हमने फॉर्मेशन करनी है साइनोहाइड्रेन की किसके द्वारा हमने किस से इसकी फॉर्मेशन करनी है कीटोन से तो ये किसका एग्जाम्पल है ये एग्ज़ाम्पल रहेगा आपके पास न्यूक्लोफिलिक एडिशन का ठीक है इथाइल इथर डिकम्पोज ऑन हीटिंग डाई इथाइल इथर आपके पास डिकम्पोज हो जाता है जब हम इसको हीट करते हैं विद एच आई एच हाँ के साथ जब हम इसको हीट करेंगे तो डाई इथाइल इथर क्या हो जाएगा डीकम्पोज हो जाएगा फिर है हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन इन सी एच ओ ग्रुप इज़ सो सी एच ओ ग्रुप में आपके पास जो कार्बन है उसकी क्या हाइब्रिडाइजेशन रहती है सो so, इसकी हाइब्रिडाइजेशन रहती है एस पी टू हाइब्रिडाइजेशन फिर है एल्काइन शो एल्काइंस आपके पास क्या क्या शो करते हैं ये शो करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन सब्सटीट्यूशन रिएक्शन एंड ऑल्सो पॉलीमराइजेशन पैरा क्लोरो एनिलीन एंड एनिलीनियम हाइड्रोक्लोराइड कैन भी डिस्टिंग्विश बाय सो ये दोनों कंपाउंड किसके द्वारा डिस्टिंग्विश किए जा सकते हैं बाय द सिल्वर नाइट्रेट सिल्वर नाइट्रेट की हेल्प से हम इसके बीच डिस्टिंग्विश अच्छे से कर सकते हैं दैन द आर एंड एस एनश्यूमर्स ऑफ एंड ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डिफर इन सो आर एंड एस एन एनशोमर जो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं वो किस द्वारा डिफर कर जाते हैं बाय देयर ऑप्टिकल रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज लाइट हाउ मैनी साइकिल आइसोमर्स ऑफ सी फाइव एच टेन आर पॉसिबल सो आपके पास सी फाइव एच टेन का कंपाउंड है उसमें कितने साइकिलिक आइसोमर की फॉर्मेशन होने की पॉसिबिलिटी है ये क्वेश्चन आपके पास है तो इसका जो आंसर है वो है फाइव फाइव आइसोमर की आपके पास यहाँ पे पॉसिबिलिटी रहती है बनने की देन नेक्स्ट है द काइंड ऑफ डी लोकलाइजेशन इन्वॉल्विंग सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स इज कॉल्ड सो इसको हम क्या कहते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट जिसमें आपके पास क्या होता है डी लोकलाइजेशन इन्वॉल्व करता है सिग्मा बॉन्ड ऑर्बिटल्स को फिर है नॉर्मेलिटी ऑफ टू एम एच टू एस ओ फोर इज नॉर्मेलिटी कितनी रहेगी आपके पास दो मोल्स सल्फ्यूरिक एसिड की तो है फोर एन फोर नॉर्मेलिटी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन है द अरेनियस इक्वेशन एक्सप्रेसिंग द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन इज तो अरेनियस इक्वेशन को हम कैसे एक्सप्रेस करेंगे जब उसका इफेक्ट होगा किसके ऊपर ऑन द रेट कॉन्स्टेंट ऑफ रिएक्शन के ऊपर तो इसका जो एक्सप्रेसिंग करने का वे है वो रहता है के इज इक्वल टू ए डॉट ई एफ साइलेंट ओवर आर टी सो तो हम इसको इस तरीके से एक्सप्रेस करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑस्टवर्ल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू सो ये लॉ किसके लिए एप्लीकेबल होता है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स ओनली वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए हम इस गाँव का यूज करते हैं रेडियो कार्बन डेटिंग वॉज डिस्कवर्ड बाय तो रेडियो कार्बन डेटिंग किसने डिस्कवर किया था डब्ल्यू एफ लिबी ने द यूनिट ऑफ इक्वलेंट कन्डक्टिविटी इज तो इक्विलेंट कंडक्टिविटी की यूनिट क्या होती है ओम रिवर्स सेंटीमीटर स्क्वेयर ग्राम डॉट इक्विलेंट इनवर्स अक्लाइडल सिस्टम इन विच गैस बबल्स आर डिस्पर्स इन अ लिक्विड ज सो so, एक ऐसा कोलाइडल सिस्टम जिसके अंदर गैस बबल्स क्या होते हैं डिस्पर्स होते हैं लिक्विड फेस के अंदर उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं फोम ओके फेरोसीन इज एन एग्जांपल ऑफ फेरोसीन आपके पास किसका एग्जांपल है इट इज द एग्जांपल ऑफ सेंट विचड कॉम्प्लेक्स एंड पाईबॉन्डिड कॉम्प्लेक्स द नंबर ऑफ एस एस बॉन्ड इन सल्फर ड्राई इज टू कितने नंबर ऑफ़ वॉन्ड्स आपके पास सल्फर डाईऑक्साइड में प्रेजेंट होते हैं जीरो द नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इन लीटर ऑफ वाटर इज सो एक लीटर मतलब कि वन थाउजेंड एम एल पानी जो आपके पास है उसमें कितने वाटर के मॉलिक्यूल प्रेजेंट है सो so, इसका आंसर होगा फिफ्टी फाइव पॉइंट फिफ्टी फाइव इंटू सिक्स पॉइंट जीरो टू थ्री इंटू टेन डिजाव ट्वेंटी थ्री सो इतने नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स आपके एक लीटर पानी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन एटम इन पोटाशियम सुपर ऑक्साइड इज सो ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है ऑक्सीजन की ठीक है पोटाशियम सुपर ऑक्साइड के अंदर वो रहेगी आपके पास माइनस हाफ क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट इज ऑल्सो नोन एज तो क्यूबिक क्लोज पैकिंग को हम क्या और क्या कहते हैं फेस सेंटर्ड क्यूबिक वैन कॉमन सॉल्ट इज डिजॉल्व इन वाटर जब हम कॉमन सॉल्ट जो हम खाने वाला नमक यूज़ करते हैं उसको पानी में डालते हैं ठीक है ठीके? तो हमारे पास कौन क्या होता है जो बॉइलिंग पॉइंट है सॉल्यूशन का वो इंक्रीज़ कर जाता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल बी इंक्रीज इफ द कंसनट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इज़ इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन ऑल्सो इंक्रीज़ अगर आपके पास कंसनट्रेशन है जो रिएक्टेंट की वो इंक्रीज हो रही है तो उसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो भी क्या होगा इंक्रीज़ होगा द वेपर प्रेसर ऑफ़ वाटर एट हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड इज़ सो ये कितना होगा आपके पास वेपर प्रेशर वाटर का सौ डिग्री टेम्परेचर पे सेवेंटी सिक्स सी एम वट इज़ द नॉर्मेलिटी ऑफ वन एम सोल्यूशन ऑफ एच थ्री पी ओ फोर सो कितनी नॉर्मैलिटी रहेगी आपके वन मोल सोल्यूशन एच थ्री पी ओ फोर के लिए थ्री पॉइंट ज़ीरो नॉर्मैलिटी